Good morning dear children of class third. I hope you'll are fine at home. So, dear children, today we will start another an interesting activity to related our poem uh, Trains. Okay. So here you can see some few different types of transports are given. So you have to choose which one is land transport, which one is air transport, and which one is water transport. ओके सो फर्स्ट शॉर्ट आउट दिज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टू करेक्ट ग्रुप्स वन इज़ डन फॉर यू सो हेयर यू कैन सी फर्स्ट वन इज़ लैंड सो दिस वन फर्स्ट वन है लैंड तो इसमें बेटा आप देख सकते हैं कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो उसमें हमारे लिए फर्स्ट जो है वो किया गया है कि फर्स्ट क्या है बस उसके बाद आपको चूज़ करना है आपको टिक करना है कि विच वन इज़ करेक्ट इन लैंड ट्रांसपोर्ट ठीक है सो सेकेंड वन इज सेकेंड वन इज कार ओके देन थर्ड थर्ड वन इज ट्रेन फोर्थ वन बाईस्किल ओके ये हो गए हमारे चार के चार ये लैंड ट्रांसपोर्ट ठीक है उसके बाद हम देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट ठीक है एयर ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट जो है वो क्या होगा एरोप्लेन ठीक है सेकंड हेलीकॉप्टर ओके सो मेनली टू है बेटा आप लैंड ट्रांसपोर्ट में ट्रक भी कर सकते हो कर सकते हो ना भी ट्रक होगा बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट में बस कार ट्रेन बाइस्किल ट्रक ओके उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट में हमने किया एरोप्लेन हेलीकॉप्टर और इसके अलावा भी अगर आप अपनी तरफ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एयर ट्रांसपोर्ट में हम और किसका यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रॉकेट ओके okay. सो so, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर रॉकेट आप लिख सकते हैं देन उसके बाद वाटर तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या, क्या क्या काउंट होगा तो शिप बोट एंड स्टीमर शिप बोट एंड स्टीमर जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं ठीक है सो so, आप लोगों ने देखा डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कि लैंड पर कौन से चलते हैं एयर में किस तरह के ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ होते हैं और वाटर में किस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ होते हैं ठीक है तो बच्चों ये आपका आज का काम है इंग्लिश का आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू फॉर